हेलो एवरीबॉडी, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है मिरेकल वर्कर्स। आज एक सैंडविच ट्रिक सिखाऊंगा मैं आप सभी को जो डेविड ब्लेन परफॉर्म करता है। मैंने तो डेविड ब्लेन से ही देखा है और सीखा किसी और से, लेकिन आज मैं आप सभी को सिखाऊंगा। तो इस ट्रिक के लिए मुझे दो जोकर चाहिए, तो ये रहा मेरा दो जोकर, झट करके आ गया। तो अगर आपको ये प्रोडक्शन सीखना है तो आपको एक चीज़ करना होगा, ये प्रोडक्शन मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा ताकि जब भी मैं फ्यूचर में कोई नया वीडियो डालूं तो आप सभी को पता चल जाए, ठीक है, और आप नोटिफाई हो जाए। तो ये दोनों जोकर को मैं अभी साइड में रखता हूं और चलिए सैंडविच ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कार्ड सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो मान लीजिए ये वाला सेवन ऑफ स्पेड, तो इस कार्ड को भी मिडिल में रखते हैं और डेक को अच्छे से शफल कर देते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए सब कार्ड्स, और फिर हमें दो जोकर चाहिए। तो ठीक है, और एक बार शफल कर देते हैं, ठीक है। अब एक जोकर को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, और आप देख सकते हो ये बिल्कुल नॉर्मल जोकर है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो एक जोकर को ऊपर रखेंगे और एक जोकर को हम लोग रख देंगे ठीक नीचे यहाँ पे, अब देखिएगा, ठीक है। अगर मैं स्नैप नहीं आता है मेरे को, लेकिन अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो इस मोमेंट पे, और फिर ऐसे करने से एक कार्ड जो है जोकर्स के बीच में आ जाता है और वो कार्ड है सिलेक्टेड कार्ड सेवन ऑफ स्पेड। तो चलिए इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ट्रिक कैसे होता है। तो गाइज ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको लगेगा कि थोड़ा सा हार्ड होगा लेकिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रिक पूरा का पूरा स्लाइट ऑफ हैंड है। आपने दो जोकर चूज करना है सैंडविच के लिए, आप कोई भी सेम कार्ड चूज कर सकते हो, जैसे एस ऑफ हार्ट्स और एस ऑफ डायमंड हो गया, या फिर दोनों ब्लैक किंग ब्लैक क्वीन, रेड किंग रेड क्वीन। फिर आपने क्या जानना है, आपने कार्ड कंट्रोल जानना है, ठीक है। तो उसका एक मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, उसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है कार्ड कंट्रोल का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे चैनल में ही है, आप सीख सकते हो। तो वहां पे मैंने सिखाया कि कार्ड को ऊपर तक कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आपने ऊपर के ऊपर पे कंट्रोल करने के बाद आपको कार्ड को नीचे ले जाना है इसके लिए, ठीक है। इसमें बॉटम कंट्रोल चाहिए, बॉटम कंट्रोल करना बहुत ही आसान है, आपको बस ऊपर कंट्रोल करने के बाद कुछ ऐसे करके एक कार्ड को लेना है, वो सिलेक्टेड कार्ड को नीचे लेना है, फिर आपने ऐसे करके शफल करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, तो इससे बॉटम कंट्रोल जो है हो जाएगा। अब मैं आप सभी को कार्ड कंट्रोल जो है मैं कार्ड को उल्टा करके दिखा देता हूँ कि मैं ये ट्रिक कैसे करता हूँ। तो देखिए ये ट्रिक बहुत ही सिंपल है, एक कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है जैसे कि मान लीजिए ये वाला, तो आपको देखना नहीं है वो कार्ड, ऑडियंस देखेगा, और फिर आप उसको क्या होगा बीच में रखने हैं। तो अभी मैं कार्ड उल्टा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो मैं ऐसे करके जब कार्ड वो रख देता है, तो अब उल्टा तो नहीं रखेगा वो, तो ऐसे मतलब पलट के ही रखेगा, लेकिन मैं उल्टा रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो रखने के बाद आपने इसको स्क्वायर अप करना है, पिंकी ब्रेक चाहिए, ठीक है, यहाँ पे पिंकी ब्रेक आप रख सकते हो कार्ड के बीच में, और फिर आपने वो शफल करना है जो मैं उस वीडियो में सिखा चुका हूँ, एक रिफल शफल भी करना है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, कभी कभी नहीं भी कर सकते हो। और फिर जैसा मैंने आपको कहा कि नीचे से बॉटम ऊपर से बॉटम में कैसे ले जाए, तो एक कार्ड को स्लाइड कीजिए और फिर ऐसे करके शफल कर दीजिए, इससे आसानी से वो नीचे आ जाएगा। अब आ जाते हैं मेन जो है सैंडविच ट्रिक की तरफ। तो सैंडविच करना बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको दो कार्ड चाहिए, और एक चीज ध्यान रखना है कि कार्ड जो है चिपकता नहीं हो एक दूसरे से, ठीक है, वही चीज ध्यान रखना है। अगर चिपक जाता है तो कभी कभी दो तीन कार्ड भी आ सकता है, तो आप नया कार्ड यूज कर सकते हो या फिर जो कार्ड मतलब बहुत ही मतलब नॉर्मल हो, ठीक है, ताकि ना चिपके, एक ही कार्ड स्लाइड हो। तो आप बोलोगे यार चिपकता नहीं है तो नीचे वाला कार्ड को हम कैसे सैंडविच करें जो दोनों जोकर के बीच में। तो वो कुछ ऐसे होता है कि आपने एक जोकर को रखना है ऊपर कुछ ऐसे, और दूसरे जोकर को थोड़ा सा निकाल के रखना है, ठीक है, ताकि आपका जो ये मिडल फिंगर और ये क्या कहते हैं इसे रिंग फिंगर है, वैसे मैं रिंग इस फिंगर में पहना हूं, ये दोनों फिंगर इस कार्ड को टच करें और आपका जो थंब है वो ऊपर वाले कार्ड को टच करे और जो इंडेक्स फिंगर है वो इस जोकर को टच करे। तो इससे क्या होगा, आप जैसे ऐसे करके मतलब जल्दी करना है, धीरे नहीं करना है, ठीक है, धीरे करने से पता चल जाएगा ऑब्वियसली। आपने जल्दी जब ऐसे सट करके करोगे तो वो नीचे का जो कार्ड है वो सैंडविच होके बीच में आ जाएगा। तो वापस से मैं समझा देता हूँ, वापस एक बार, एक कार्ड गया ऊपर एक कार्ड गया नीचे, यहाँ पे आपने उंगली रखना है ताकि उस कार्ड के साथ भी आपका कॉन्टैक्ट हो जाए,
और इस कार्ड के साथ तो होगा इंडेक्स फिंगर के साथ, उसी बात के लिए। तब क्या होगा, आप जब ऐसे स्लाइड करोगे तो वो कार्ड जो है अपने आप उसके साथ आ जाएगा। तो ऐसे करके आपने बस फेंकना है और इस कार्ड को कैच लेना है, नीचे में नहीं गिरा देना है, तब इम्प्रेशन जमेगा नहीं। आपने कैच करना है, तो इससे क्या होगा, पूरा डेक जो है इस हाथ में आ जाएगा और बस वो सिलेक्टेड कार्ड और दो जोकर इस हाथ में रह जाएगा। बहुत ही सिंपल है। चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं ट्रिक को, इस बार मैं उल्टा करके करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक कार्ड सिलेक्ट किया गया है, जैसे टू ऑफ हार्ट्स, इसको बीच में रख देते हैं स्पेक्टेटर, और फिर आपने शफल करना है, एक रिफल शफल, और फिर ऐसे करके नीचे कंट्रोल, और फिर एक जोकर ऊपर, एक जोकर नीचे, पकड़े पकड़िए ग्रिप, आप देख सकते हो इंडेक्स फिंगर यहाँ पे है और ये दो सिलेक्टेड कार्ड के ऊपर है, मैंने कार्ड को ऑब्वियसली उल्टा रखा हुआ है, और फिर बम हो गया, कार्ड बीच में आ गया। तो यही था सैंडविच इफेक्ट, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, डायरेक्टली मत दिखाना, प्रैक्टिस कर लेना और फिर ये जो इफेक्ट है बहुत ही बढ़िया है, लोग मतलब हैरान हो जाते हैं कैसे होता है। तो बस यही है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वापस से मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं फ्यूचर में और ज़्यादा मैजिक के वीडियोस लाऊंगा। और हाँ, मिंट प्लेइंग कार्ड्स का मैं गिव अवे कर रहा हूँ, तो उसका भी एक लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो कि कैसे आप गिव अवे में एंटर कर सकते हो। तो बस वही, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।